السلام عليكم. हवादारी है बच्चों? ओके जी, आज हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी कवर करेंगे और इसके साथ हम इंशाल्लाह इक्विटी थ्योरी को भी स्टार्ट कर देंगे। इफ टाइम अलाउज हम उसे भी कंप्लीट कर देंगे, मतलब आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हमने कल लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट थ्योरी के ऊपर। रीइंफोर्स दो किस्म की होती है रीइंफोर्समेंट, एक होती है एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट और एक होती है इंटरनल रीइंफोर्समेंट। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट कोई और करता है आपके लिए, और इंटरनल रीइंफोर्समेंट जो होती है ये एग्जैक्टली परसेप्शन वाला कॉन्सेप्ट है कि हम अपने कॉग्निटिव बिलीफ, जो प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड और बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और वही इंफॉर्मेशन याद रखते हैं। ये हमने परसेप्शन में पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने परसेप्शन में डिस्कस किया था कि वी ओनली सिलेक्टिव परसेप्शन में हमने बात की थी कि हम हमेशा उसी इंफॉर्मेशन पे तवज्जो देते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, या वो इंफॉर्मेशन जो हमारे कुछ भी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट कर रही होती है। ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस फिनोमेना, ये है इंटरनल रीइंफोर्समेंट। एक होती है एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट से मतलब है कि कोई हमारे बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए या हमारे बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट। तो हम रीइंफोर्समेंट को दो तरह से पढ़ेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रीइंफोर्समेंट और एक हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट। मेन अजम्पशन जो रीइंफोर्समेंट को गाइड करती है वो ये कि पीपल जनरली डोंट लाइक टू बी रॉन्ग। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था सिक्स चैप्टर में, इंसान नहीं चाहता कि उसे गलत कहा जाए। तो वी फील अनकंफर्टेबल व्हेन आवर बिलीव्स आर चैलेंज्ड एंड देयरफॉर वी ओनली सीक आउट एंड रिमेंबर द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प अस प्रूव आवर पॉइंट, जो हमारा पॉइंट प्रूव करने में हमारी हेल्प करे। ये इंटरनल रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। इसकी बड़ी कॉमन एक एग्जांपल आपको मिलती है प्री इलेक्शन पोल्स के अंदर। प्री इलेक्शन पोल्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते खैर, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में प्री इलेक्शन पोल्स होते हैं। यानी वो इलेक्शन से पहले एक सर्वे करवाते हैं और वो पूछते हैं कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, और उसके बाद फिर जो कंपेन चलती है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, रिलेटिवली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिसाइडेड, उनका प्री इलेक्शन लॉबिंग जो है उनकी डिसाइड होती है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्री इलेक्शन लॉबिंग के बाद अपना डिसीजन बदलते हैं। अमेरिका में लॉबिंग होती है, आपने शायद देखा है अमेरिका का ये जो वोटिंग सिस्टम है, उनकी ना लॉबिंग होती है। वो पहले क्या होता है कि वो डिबेट्स होती हैं, जो भी कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ट्रंप और हिलरी क्लिंटन थी, तो हिलरी क्लिंटन और ट्रंप जो है इनकी डिबेट्स हुई थी, और फिर डिबेट्स के बाद लोग डिसाइड करते हैं। तो मेजोरिटी वोटर लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट रहते हैं अपने वोटिंग पैटर्न के साथ। तो जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं दे स्टे कंसिस्टेंट। लेट मी जस्ट रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड। रीइंफोर्समेंट थ्योरी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि हम इंसान बेसिकली दो किस्म की रीइंफोर्समेंट होती है, इंटरनल रीइंफोर्समेंट होती है और एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट होती है। इंटरनल रीइंफोर्समेंट से मुराद है कि हम अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, और एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट होती है कि कोई हमारे बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करता है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बीच जो मेन अजम्पशन है वो ये कि पीपल जनरली डू नॉट लाइक टू बी रॉन्ग, लोग गलत नहीं होना चाहते। दे विल फील अनकंफर्टेबल व्हेन दे आर प्रूवन रॉन्ग। तो लोग फिर वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और वही इंफॉर्मेशन याद रखते हैं। ये पॉलिटिकल वर्ल्ड में इसकी अच्छी एग्जांपल मिलती है आपको। आप देखें ना, कोई इंडिविजुअल जो पीटीआई को सपोर्ट करेगा उसे सिर्फ पीटीआई की अच्छी बातें याद होंगी, या जो नून लीग को सपोर्ट करेगा उसे सिर्फ नून लीग की पॉजिटिव बातें याद होंगी। दे विल नेवर
ever figure out or complain about some negative elements of the party they support. ठीक है, तो प्री इलेक्शन पोल्स के अंदर भी जब लोगों ने एक माइंड बना दिया होता है, लोग उसी माइंड को फॉलो करते हैं, उसी माइंडसेट को फॉलो करते हैं और उसी के ऊपर जोर कर अपने डिसीजन को पुख्ता रखते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो होती है इसके तीन प्राइमरी मैकेनिज्म्स हैं, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। रीइंफोर्समेंट थ्योरी हैज थ्री इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स। इसमें सबसे पहला मैकेनिज्म है सिलेक्टिव एक्सपोजर। वी विल ओनली गेट एक्सपोज टू दैट इंफॉर्मेशन जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ को जस्टिफाई करे या सपोर्ट करे। हम उसी इंफॉर्मेशन की तरफ अपने आप को एक्सपोज करते हैं जो जस्टिफाई करती है हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ को, इसे कहते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर। ठीक है, अ चेंज और शिफ्ट इन एटीट्यूड कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन एडमिशन दैट द ओरिजिनल बिलीफ वाज इनएक्यूरेट और इनएडिक्वेट। इंसान का एटीट्यूड तभी चेंज होता है जब इंसान ये माने कि मेरा प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ जो है वो गलत था। इंसान का बिलीफ सिर्फ तब चेंज होगा जब इंसान ये एक्सेप्ट करे कि मेरा प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ गलत था, लेकिन ये कभी होता नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैपन। People don't like to be wrong, so people will only look at that information जो support करे उनके point of view को, and they will avoid the information which will discredit their views, उनके views को discredit करे। लोग हमेशा वो information ढूंढेंगे जो उनके views को support करे, वो information discard कर देंगे जो उनके views को discredit करे। When faced with inconsistent information, person may justify rejecting the information by attacking the source's credibility. अच्छा, वो उस बंदे ने बात किया, उसने झूठी कहा होगा ना, आप उस सोर्स की क्रेडिबिलिटी को अटैक करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो इंफॉर्मेशन आप एक्सेप्ट करें। सिलेक्टिव एक्सपोजर जो है ये मैनिफेस्ट होता है विद पीपल एक्सपोजिंग देमसेल्फ ओनली टू स्टिमुलाई दैट प्लेजरेबल एंड देयरफॉर अवॉइड स्टिमुलाई दैट माइट इंड्यूस अ नेगेटिव रिएक्शन। तो हम हमेशा ऐसे स्टिमुलाई की तरफ एड्रेस होते हैं जो प्लेजरेबल होते हैं। जैसे जब आप चैनल स्विच कर रहे होते हैं तो अगर आप नून लीग का सपोर्टर हैं तो आप जियो ही देखेंगे क्योंकि जियो जो है वो आपको एक कंफर्टेबल स्टिमुलाई दे रहा है। अगर आप पीटीआई का सपोर्टर हैं तो आप एआरवाई ही देखेंगे क्योंकि वो आपको अदर वे राउंड स्टिमुलाई दे रहा है। ये अगेन सेम कॉन्सेप्ट है सिलेक्टिव परसेप्शन वाला। सिलेक्टिव परसेप्शन में और इंटरनल रीइंफोर्समेंट में कोई फर्क नहीं है। सिलेक्टिव एक्सपोजर और ये आ गया सिलेक्टिव परसेप्शन। वी ओनली परसीव व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। और जब हम डिसोनेंट मैसेजेस को एक्सपोज होते हैं, डिसोनेंट से मुराद है ऐसा मैसेज जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, तो वी विल सिंपली ट्राई टू अवॉइड दैट मैसेज। पीपल विल स्क्यू देयर परसेप्शन टू कंसाइड विद व्हाट दे डिजायर। हम उसी चीज में इंटरेस्ट शो करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप पॉलिटिकल एग्जांपल दोबारा लें तो वोटर में नॉट एग्री विद वन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ अ पॉलिटिशियन। आप नून लीग के या लेट्स से पीटीआई के सपोर्टर हैं, फॉर एग्जांपल यू आर अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई एंड यू डोंट एग्री विद वन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इमरान खान, फॉर एग्जांपल इमरान खान की किसी पॉलिसी से आप एग्री नहीं करते। अब चूंकि आप गलत साबित नहीं करना चाहते अपने आप को बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू बी रॉन्ग, तो आप क्या करेंगे, आप या तो ये कह देंगे जी कि वो जो कैंडिडेट है उसके मुताबिक आप अपना स्टांस चेंज कर लेंगे। यू विल चेंज योर स्टांस ऑन द पॉलिसी, व्हाटएवर पॉलिसी इज बीइंग इनिशिएटेड आप उसके मुताबिक अपनी परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आप डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट तो कर लेंगे, आप उस पॉलिसी को सही नहीं मानते, लेकिन आप उस इशू की इम्पोर्टेंस को कम कर लेंगे। अब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मिसाल मिलती है, जो लोग नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं पनामा ही है ना, क्या हो गया, वो खाता है तो लगाता भी है वाला जो सेंटेंस है वो एक दूसरे पॉइंट पे जस्टिफाई करता है कि आपके नजदीक करप्शन को इतना बड़ा इशू नहीं है बिकॉज अगर आपके जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उसने करप्शन कर लिया दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, या फिर वोटर जो है वो सिलेक्टिव परसेप्शन में एंगेज होगा, मिस परसीव करेगा कैंडिडेट की पोजीशन को इन ऑर्डर टू बेटर अलाइन विद देयर ओन स्टांस। जबकि उन्हें पता है कि वो मिस अलाइन है, यानी उन्हें पता है कि उनका जो कैंडिडेट है वो भी गलत है और पॉलिसी भी गलत है, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट करते रहेंगे, फिर भी अपने आप को गलत नहीं मानने की कोशिश करेंगे। सो ह्यूमन फितरत है, इंसानी फितरत है कि वी नेवर वॉन्ट टू बी रॉन्ग एंड वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट द थिंग विच फिट इन टू आवर परसेप्शन।
हम हमेशा वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी अपनी परसेप्शन में फिट इन होती है, फिट होती है. वी नेवर एंगेज इन समथिंग व्हिच वी बिलीव इज अगेंस्ट आवर ओन परसेप्शन. एंड देन सिलेक्टिव रिटेंशन, वही इंफॉर्मेशन याद रखेंगे जो आपकी प्री डिस्पोजिशन से मुराद है समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी इन योर माइंड. जो आपके पहले चीज आपके दिमाग में है वो आपकी प्री डिस्पोजिशन है. हमेशा वही इंफॉर्मेशन याद रखेंगे जो हमारी प्री डिस्पोजिशन में होती है. सिलेक्टिव रिटेंशन की बेस्ट एग्जाम्पल मिलती है स्टीरियोटाइपिंग के अंदर. हमने डिस्कस किया था कि हम हमेशा लोगों को या जजमेंट जो है हम हमेशा पास करने की कोशिश करते हैं इमीडिएटली बेस्ड ऑन आवर प्री डिस्पोजिशन अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल टू विच दैट पर्सन बिलोंग्स. वो इंडिविजुअल जिस ग्रुप से बिलोंग करता है हमारी उस ग्रुप के मुतल्लिक जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसी की बुनियाद पर उसके मुतल्लिक राय कायम कर लेते हैं. ठीक है, so that can easily help you recall information to impact the level and intensity of the judgment related to the topic, whatever topic or whatever person you are talking about. A forum उसके ऊपर quick judgment ले आते हैं. ये आपकी selective memory भी कहलाती है कि आपकी selective memory में वो चीज कहीं पड़ी हुई है और जैसे ही आपने किसी unlike situation को encounter किया तो वो चीज फौरन आपकी selective memory के साथ align हो जाएगी और आपको उसका मतलब बता देगी. ये है इंटरनल रीइंफोर्समेंट. दिस फेनोमेना इज नोन एज, तो रीइंफोर्समेंट को अगर हम डिफाइन करें तो ये डेफिनेशन है. देखिए रीइंफोर्समेंट दो लेवल पे होती है, एक होती है इंटरनल रीइंफोर्समेंट और एक होती है एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट. इंटरनल रीइंफोर्समेंट क्या होती है, व्हेन पीपल ओनली सीक आउट एंड रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन जो उनके कॉग्निटिव सपोर्ट मुहैया करे उनके प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड और प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को. आपके प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड और प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट करे उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं. रीइंफोर्समेंट थ्योरी की जो बुनियाद है वो इस पॉइंट पे है कि पीपल डू नॉट वांट टू बी रॉन्ग, लोग गलत कहलाना नहीं चाहते. दे फील अनकंफर्टेबल जब आप उनके बिलीफ को चैलेंज करते हैं या जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं. और लोग चूंकि गलत कहलवाना नहीं चाहते अपने आप को तो वो फिर सिलेक्टिव रीइंफोर्समेंट के अंदर वो एक सिलेक्टिव मैकेनिज्म से गुजरते हैं. They go through a selective mechanism और उस mechanism के अंदर selective आप क्या करते हैं, आप उस information पे जाते हैं जो इंफॉर्मेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कॉग्निटिवली सपोर्ट करती है. जैसे एग्जांपल दी पॉलिटिकल वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि हम हमेशा उस पार्टी की पॉजिटिव चीजों को ही देखेंगे जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं. द पार्टी व्हिच वी सपोर्ट वी ओनली लुक एट द पॉजिटिविटीज ऑफ दैट पार्टी. इसे कहते हैं रीइंफोर्स करना. अपने रीइंफोर्समेंट के अंदर तीन मैकेनिज्म्स हैं. सिलेक्टिव एक्सपोजर, we only get exposed to that information which supports our pre-existing belief. Then selective perception, we only perceive that information जो हमारे cognitive predisposition के अंदर मौजूद है, जो हम already हमारे ज़हन में हैं. And selective retention, वो ही याद रखते हैं जो याद रखना चाहते हैं. Selective memory के through, selective perception के अंदर में कहते हैं consequently one of the three things may happen. यानी अगर कोई distortion आए, अगर कोई डिसोनेंट मैसेज मिले, डिसोनेंट मैसेज ऐसे मैसेज को कहते हैं जो चेंज करने की कोशिश करे आपके नजरिए, यानी ऐसा मैसेज व्हिच ट्राइज टू अल्टर योर पॉइंट ऑफ व्यू, इसे कहेंगे डिसोनेंट मैसेज. तो जब आपको डिसोनेंट मैसेज मिलता है उसके अंदर आप कोई एक काम करते हैं तीन में से, या तो आप उस कैंडिडेट के मुतालिक अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं या पॉलिसी के मुतालिक अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब ने आके डैम फंड स्टार्ट की. इमरान खान साहब आए और उन्होंने आके डैम फंड स्टार्ट की. अब लेट्स से दैट अर्लियर यू वर नॉट इन अ फेवर के सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो इस किस्म के ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज के अंदर, लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब की हुकूमत कर रही है तो अब आपके नजदीक वो पॉलिसी सही हो जाएगी. ठीक है ना, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन. या फिर आप डिसएग्रीमेंट बरकरार रहेगा, आपके नजदीक डैम फंड जो है जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है फॉर एग्जाम्पल, सिविल गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन फिर भी
आप उसकी इम्पोर्टेंस को कम करना है। यदि सेकंड पॉइंट की बेस्ट एग्जांपल मिलती है जब शरीफ का कोई सपोर्टर कहता है कि पनामा लीक से नया शहर खाता है तो लगाता भी है, ये सेकंड पॉइंट की बेस्ट एग्जांपल है कि आप उस इम्पोर्टेंस उस इश्यू की इम्पोर्टेंस कम कर रहे हैं। या फिर सिलेक्टिव परसेप्शन में एंगेज होगे, आप गलत परसीव करते रहते हैं, मिस अलाइंड रहते हैं, यू रिमेन मिस अलाइंड। एंड देन वी हैव सिलेक्टिव रिटेंशन, हम सिलेक्टिवली रिटेन करते हैं वो इंफॉर्मेशन जो हम अपनी मर्जी से अपने डिस्पोजिशन। यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग की एग्जांपल भी आती है। तो ये है सारी इंटरनल रीइंफोर्समेंट, दैट इज ऑल इंटरनल रीइंफोर्समेंट। अब है एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट के आगे फर्दर दो वेज है, ये सवाल आ चुका है पेपर में, दो तरह सवाल आ चुका है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर। कोई आपके बिहेवियर को रीइंफोर्स करे, कोई आपको स्टिमुलेट करे, कोई आपको स्टिमुलाई दे के आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करे, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आप एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलाई को ऐड करते हैं डिजायर्ड बिहेवियर को प्रोड्यूस करने के। एक बंदा ऑफिस में टाइम पे आता है, उसके लिए आप तालियां बजवाते हैं, तो तालियां जो है वो एक पॉजिटिव स्टिमुलाई है जो कि उस बिहेवियर को रिपीट होने पर मजबूर करेगा, और वो बंदा बार बार टाइम पे आएगा कि उसके लिए बार बार तालियां बजाई जाए। अच्छा, डांट का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक बंदा इसलिए टाइम पे आएगा कि डांट ना पड़े, तो डांट पड़ने के स्टिमुलाई को एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए अगर कोई बंदा पंक्चुअल होता है तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और अगर तारीफ के लिए कि आपकी तारीफ की जाती है, आपको अच्छा कहा जाता है और आप चाहते हैं कि लोग बार बार आपकी तारीफ करें, yes, people do. लेकिन वो खैर वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक, ओके, ये सवाल आ चुका है पेपर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कब कब इफेक्टिव होगी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, एग्जांपल्स क्या है, पब्लिक प्रेज फॉर एग्जांपल, आप किसी की तारीफ करें, किसी को बोनस दें सेल्स टारगेट्स अचीव करने में। दिस वाज द क्वेश्चन इन द पेपर, 6 नंबर का सवाल था और पूछा ये गया था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब इफेक्टिव होती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कब इफेक्टिव होती है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अकर इमीडिएटली, जैसे ही आप एक डिजायरेबल एक्शन प्रोड्यूस करें उसी वक्त रीइंफोर्स किया जाए, जैसे ही आप ऑफिस टाइम पे आए फौरन तारीफ की जाए। व्हेन डिलीवर्ड विद एंथुसियाज्म, जोश के साथ डिलीवर की जाए किसी को, मुस्कुरा के जोश के साथ। एंड व्हेन अकर फ्रीक्वेंटली, बार बार की जाए। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट व्हेन डिलीवर्ड। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो भी तो रीइंफोर्समेंट ही थी ना, दैट वाज रीइंफोर्समेंट, एग्जैक्टली। आप चाहते हैं ना कि डॉग जो है वो उसे टेम करें या ट्रेन करें, तो आप उसको फौरन आप उसे यू नो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, उसे फायदा पहुंचाते हैं, एंथुसियाज्म के साथ देते हैं और फ्रीक्वेंटली देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हमने एक स्टिमुलाई को रिमूव कर देना है जैसे ही डिजायर्ड बिहेवियर प्रोड्यूस होगा, डांटना बंद कर देंगे जैसे ही टाइम पे आना शुरू करेगा, तारीफ करनी शुरू करेंगे जैसे ही टाइम पे आएगा। तो बेसिकली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलाई जो है वो एग्जिस्ट करता रहता है जब तक डिजायर्ड बिहेवियर प्रोड्यूस होता रहे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर स्टिमुलाई सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है जैसे ही डिजायर्ड बिहेवियर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर द स्टिमुलाई विल कीप ऑन एग्जिस्टिंग एज सून एज और एज फार एज डिजायर्ड बिहेवियर विल बी देयर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एज फार एज डिजायर्ड बिहेवियर इज देयर द स्टिमुलाई विल बी रिमूव्ड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बिहेवियर को रीअकर करवाना, क्योंकि रिमूवल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो उस डिजायर्ड बिहेवियर को प्रोड्यूस करवाएगा। पनिशमेंट में और रीइंफोर्समेंट में फर्क होता है। पनिशमेंट जो है वो प्रिवेंट करती है रेकरेंस। पनिशमेंट का फोकस होता है रेकरेंस को प्रिवेंट करवाना। रीइंफोर्समेंट का फोकस होता है एक बिहेवियर को इंक्रीज करवाना, एक डिजायर्ड बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करवाना। आप किसी को पनिश करते हैं ना ऑफिस, अगर लेट आए तो आपका फोकस है कि लेट ना आए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंस। पनिशमेंट इज फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव बिहेवियर एंड रीइंफोर्समेंट इज फोकस्ड ऑन
रिप्रोड्यूस रिपीटिंग द पॉजिटिव बिहेवियर. पनिशमेंट का फोकस जो पनिशमेंट जो होती है वो नेगेटिव बिहेवियर जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए होती है, और आपकी जो रीइंफोर्समेंट है ये पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए होती है, नेगेटिव है या पॉजिटिव. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल क्या है, एक एम्प्लॉय को आप लाउडली रिप्रीमांड करते हैं, डांट डपट करते हैं ताकि वो आइंदा टाइम पे आए. एक और इसकी बेस्ट एग्जांपल है सीट बेल्ट अलार्म. सीट बेल्ट अलार्म जो है आपका सीट बेल्ट का वार्निंग अलार्म जो है ये बीप करता रहेगा ना जब तक आप सीट बेल्ट ना लगा लें. जैसे आप सीट बेल्ट लगाएंगे अलार्म गायब हो जाएगा, तो स्टिमुलाई रिमूव हो गया जैसे ही आपने डिजायर्ड एक्शन को प्रोड्यूस किया. जब तक अनडिजायर्ड एक्शन रहेगा, अनडिजायर्ड एक्शन क्या है, सीट बेल्ट नहीं लगेगी ना, तो जब तक अनडिजायर्ड एक्शन रहेगा वो बीप बजती रहेगी, सीट बेल्ट की टू 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 आती रहेगी. ठीक है, और जैसे ही सीट बेल्ट आप लगा लेंगे वो अलार्म गायब हो जाएगा. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव, अगेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट, अकर्स फ्रीक्वेंटली. ऑब्वियसली इसमें एंथुजियाज्म नहीं है, सिर्फ एंथुजियाज्म का तो कभी नहीं बनता, किसी को आप बड़े जोश से डाल देंगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस. तो बाकी दोनों सेम है, सिर्फ एंथुजियाज्म मिसिंग है. सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अकर्स फ्रीक्वेंटली एंड व्हेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट. एक ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और एक ये सवाल आ चुका है पेपर में, रीइंफोर्समेंट थ्योरी मैनेजर्स कैसे यूज करते हैं, हाउ डज मैनेजर डिप्लॉय द रीइंफोर्समेंट थ्योरी टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉई इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. ये एक अलग क्वेश्चन आ चुका है, ये दो अलग अलग सवाल आ चुका है. मैनेजर्स दोनों किस्म के बिहेवियर को टारगेट करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. हाँ, ये आर्ग्यू किया जाता है कि डिजायर्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड करना जो है दैट हेल्प एम्प्लॉय डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स, ठीक है ना, एंड फोस्टर लेस रिजेंटमेंट देन फोकसिंग ऑन पनिशिंग नेगेटिव बिहेवियर. आप लेट आने पे सजा देने की बजाय टाइम पे आने पे रिवॉर्ड रखते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है ना, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि बजाय इसके कि आप नेगेटिव बिहेवियर को पनिश करें, आप पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली नेगेटिव बिहेवियर निकल जाएगा. ठीक है ना, एक एम्प्लॉय पंक्चुअल नहीं है तो बजाय इसके कि आप उसे सजा दें लेट आने पे, व्हाई नॉट स्टार्ट गिविंग अ रिवॉर्ड ऑन अराइविंग ऑन टाइम. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ मैनेजर्स को चाहिए कि पॉजिटिव डिजायर्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड करें, ना कि नेगेटिव को पनिश करें. रीइंफोर्समेंट थ्योरी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम नहीं करते एग्जैक्टली, हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं. हमारा अलमिया ये है एज अ कॉम एज अ मुआशरा, हमारा अलमिया ये है कि हम नेगेटिव को एलिमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं, हम पॉजिटिव को प्रोड्यूस करने की कोशिश ही नहीं करते. हालांकि मुआशरे से काफी हद तक बुराइयां खत्म हो सकती हैं अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर पर फोकस करें. यू शुड फोकस ऑन पॉजिटिव बिहेवियर, एग्जैक्टली. ठीक है, पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ पॉजिटिव मोड. ठीक है, ओके, जस्ट बेयर मी अ मोमेंट. So, sorry for interruption. Okay, so, ये कुछ तीन चार काम है करने वाले जो कि आपके पॉजिटिव बिहेवियर्स को एनकरेज करेंगे. नंबर वन, सेट क्लियर एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस. गोल्स ऐसे सेट करें जो रीजनेबली डिफिकल्ट हों.
अगर इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क दे देंगे तो दैट विल लीड टू एंगर एंड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस अल्टीमेटली डीमोटिवेशन. हम रिमेंबर हम मोटिवेशन पढ़ रहे हैं ना, तो जब आप बहुत ज्यादा मुश्किल गोल सेट कर देंगे तो इंस्टेड ऑफ रीइंफोर्सिंग द बिहेवियर यू विल एक्चुअली डीमोटिवेट द पर्सन. आइडेंटिफाई करें स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स कौन से हैं बंदे के, ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आ गया. द बेस्ट वे टू डू इज टू अडॉप्ट अ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड देन म्यूचुअली एग्री दैट व्हाट एन एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड शुड बी. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई जो है जिसे हाइट से डर लगता है, आप उसे रिवॉर्ड के तौर पर पैराशूट जंपिंग पे भेज दें, यानी एक एम्प्लॉई ने अपने टारगेट अचीव किए और उसको आपने बंजी जंपिंग पे भेज दिया, जबकि उस बेचारे को तो हाइट से डर लगता है तो आइंदा तो वो तौबा कर लेगा कि मैंने तो मेहनत ही नहीं करनी, आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनी टारगेट एनी मोर, ये तो इतना जुल्म करते हैं मेरे साथ, मेरी कंपनी वाले रिवॉर्ड दे रहे हैं, मुझे सजा दे रहे हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये वो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस वाला, कि जो आप रिवॉर्ड दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट कितना एम्प्लॉई के लिए, उसे नीड है भी या नहीं उस रिवॉर्ड की. एंड देन यू हैव टू एनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर, ये तीसरा काम है जो मैनेजर्स को करना चाहिए. They should be focusing on desirable behavior, encouraging the desirable behavior, strong teamwork, production, punctuality. इनको आपने reinforce करना है, क्योंकि जब आप जितना ज्यादा आप desirable behaviors को reinforce करते हैं उतना ज्यादा आपके लिए negativity जो है वो कम हो जाती है. Exactly, exactly. I have seen the other version of this picture. A student has played cigarettes on different pages. I have seen another version of the picture. Anyway, so a student ने a boy was studying और उसने वो एक book खोली ली थी और उसने हर chapter के आगे एक cigarette रखा हुआ था, and that was the motivation for him. Yes, yes, that was positive reinforcement. Yes, it was positive reinforcement. Exactly. You see, desirable behavior के लिए आप एक reward को associate कर रहे हैं ना साथ. अच्छा, एक वक्त में एक negative behavior को dedicate करना है आपने, that's very important. और ये जिंदगी में भी बड़ा जरूरी है. हम लोग क्या करते हैं, हम सारी नेगेटिविटीज को इकट्ठा कम करने की कोशिश करते हैं जो कभी नहीं होती. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू पीपल एज वेल. आज साल का पहला दिन है, नया साल आप सबको मुबारक हो. आपको ये चाहिए कि आप अपनी नेगेटिविटीज को वन बाय वन इरेडिकेट करें. हम लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम एक ही वक्त में सारी नेगेटिविटीज को टारगेट कर लेते हैं, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वन बाय वन, वी हैव टू मूव वन बाय वन. जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं ना, आई हैव लर्नड एक्चुअली बीइंग अ पेरेंट बीइंग अ फादर ऑफ टू, मैंने ये चीज सीखी है कि जब मैं मल्टीपल नेगेटिव बिहेवियर्स को एकदम इरेडिकेट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे बच्चे रिटेलिएट कर जाते हैं, रेजिस्ट करते हैं. जब मैं वन बाय वन जाता हूँ ना, व्हेन आई गो वन बाय वन एलिमिनेटिंग द, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क माई चिल्ड्रन के नॉट टू लीव एनी फूड इन देयर प्लेट्स वंस दे आर डन ईटिंग, लेकिन बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत जो भी खा के खा. अच्छा, फिर मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि ओके फाइन, व्हेनेवर यू लेट्स से सिट इन कार एंड ईट समथिंग, नेवर थ्रो रैपर आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार, गाड़ी में फेंक दो, बाद में खुद ही निकालो. अच्छा, अब ये मल्टीपल नेगेटिविटीज हैं. अब अगर मैं एक ही वक्त में सबको एक ही तरह रिमूव करने की कोशिश करूंगा तो बच्चे अनॉय हो जाएंगे. सो व्हाट आई डू इज आई लेट देम थ्रो द रैपर्स आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, करते रहो. पहले एक टारगेट किया, एक बिहेवियर, वो बिहेवियर क्या है, let's suppose you have to completely finish your food in the dish, whatever you are eating you have to finish it completely. Jab wo wala behavior eradicate ho gaya, fir main agle behavior pe aaunga, and that is not to throw anything outside the window of the car, any wrapper, anything, okay, any tissue paper. Jab wo wala behavior bhi eradicate ho jayega fir main agle behavior pe aaunga. Bachchon ki jo tarbiyat hai na wo badi achhi ho jati hai jab aap, aur isi tarah employees ki tarbiyat bhi achhi ho jati hai jab aap one by one behaviors ko eradicate karne ki koshish. When you start eradicating the behaviors one by one, you become highly effective. You become highly, a good motivator in order to improve the outcome. और यही हाल employees का भी होता है. अब एक employee punctual भी नहीं है, production भी कम है, dress up भी proper होके नहीं आता. अब आप उसे जनाब line हाजिर कर लें और आप उसको लताड़े पकड़ के आप उसको डंडे लगाएं कि तुमने कल से कपड़े भी सही पहन के आने हैं, कल से आना भी time पे है, कल से तुमने target भी meet करना, वो job भी छोड़ देगा. या वो बिल्कुल रेजिस्ट करेगा और बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा. सो एक नेगेटिव बिहेवियर को पकड़ो. तो इफेक्टिव टेक्निक वो कह रहे हैं कि वो क्या है, दैट यू हैव टू रिवॉर्ड वन बिहेवियर एट अ टाइम इन ऑर्डर टू इरेडिकेट नेगेटिव बिहेवियर्स इन दैट स्फीयर बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेगेटिव बिहेवियर टू मैनेज.
अपनी लाइफ्स के अंदर इस प्रैक्टिस को अपना लें। नमाज की मिसाल लेते हैं, नमाज की मिसाल लेते हैं। अच्छा, हम लोगों में बाज दफा इस तरह होता है, मैं खुद भी इसका विक्टिम रहा हूँ, अब खैर काफी हद तक मैंने इसको इम्प्रूव किया। अव्वल तो नमाज हमें पढ़नी नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर कभी कभी बड़ा जोश चढ़ता है नमाज पढ़ने का, लो जी 8 से 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़नी। तो एक दिन आएगा जब 5 वक्त मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने की, 2 दिन वो रूटीन रहेगी, 5 नमाजें बाजमात मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे, और तीसरे दिन फिर वापस आ जाएंगे, फिर नमाज की छुट्टी हो जाएगी। व्हाई नॉट टू पिक वन बिहेवियर एट अ टाइम। ओके फाइन, ईजिएस्ट प्रेयर्स कौन सी हैं? मतलब मैं अपने बच्चों को आजकल, मैं उन्हें आजकल नमाज सिखा रहा हूँ, तो अब मैं उन्हें इस तरह से सिखा रहा हूँ लाइक के ईजिएस्ट प्रेयर्स कौन सी हैं। 3 नमाजें ईजिएस्ट है ना, जोहर असर मगरिब, ठीक, फजर टफ है, इशा टफ है। अच्छा, पहले आप इन 3 प्रेयर्स की हैबिट इम्प्रूव करें। टेक 1 week, 2 weeks, 3 weeks, एज मच एज टाइम यू वॉन्ट, अ मंथ, 2 months, लेट्स से, यू सी, एंड फोकस ऑन दीज 3 प्रेयर्स। वंस यू फील कि ये अब आप ट्यून हो गए हैं इतने ज्यादा कि आप इम्प्लिसिटली, आप गैर इरादी तौर पे आप इन 3 प्रेयर्स के लिए उठ जाते हैं, नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन द 5th one, इशा। ओके फाइन, फिर उस पर टाइम लगाएंगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, एंड देन कम टू द टफेस्ट वन व्हिच इज द 1st one, फजर। जब ये रूटीन आपकी बन जाएगी, लेट्स सपोज इट माइट टेक 1 ईयर, लेट्स से इट टेक्स 1 ईयर, जब आपकी ये रूटीन सेट हो जाएगी, ओके फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट डेवलपिंग हैबिट ऑफ ऑफरिंग इट इन मस्जिद, लेट्स से, ठीक। फिर बाजमात की आदत अपनानी शुरू, दिस इज हाउ यू मूव, दिस इज हाउ यू गो अलोंग। हम लोग क्या करते हैं, चेंज एकदम लाने की कोशिश करते हैं, जो ना चेंज आ पाता है ना इम्प्रूवमेंट आ पाती है, अल्टीमेटली बेड़ा गर्क हो जाता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इसी तरह पढ़ाई में भी ये चीज़ आप अप्लाई करके देखें, पढ़ाई में भी आप ये चीज़ अप्लाई करें। हम क्या करते हैं, एक दिन डिसाइड करते हैं, लो जी आज या FAR 1 नहीं या मैं नहीं, या आज BMBS नहीं या मैं नहीं, हम ये डिसीजन करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं जनाब, ये तैयारी पकड़ते हैं, ऐसे बुक खोलते हैं, 3-4 घंटे लग के पढ़ते हैं, उसके बाद सारी मोटिवेशन भी ख़त्म, सारी उसके बाद आपकी जो एंथुजियाज्म है वो भी चला जाता है कहीं ना कहीं। इसी ना, व्हाट टू डू, क्या किया, इसका हल किया, इसका हल है ग्रेजुअली पेस पकड़ें, आहिस्ता आहिस्ता, ओवर कमिटमेंट ना करें कभी भी, नेवर ओवर कमिट योरसेल्फ, ये बात याद रखें। दिन में 3 घंटे है ना आपके पढ़ने के, आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 घंटे पढ़ें। आज आपने डिसाइड किया ना कि मैंने FAR 1 का एक फलाना टॉपिक है, लेट्स सपोज इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल, नहीं है तो कॉस्ट में है, लेट्स से रेशियो है कोई, ठीक है, रेशियोज आज मैंने सारी पढ़ लेनी, उसके न्यूमेरिकल, यानी स्लो एंड स्टेडीली मूव करेंगे तो कामयाब होंगे, वन बाय वन इम्प्रूवमेंट के मैकेनिज्म्स को फॉलो करेंगे तो कामयाब होंगे, ठीक। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इक्विटी थ्योरी फिर हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जाहिद आपको एक और वीडियो दिखाएगा, आपकी रिवीजन की वीडियो, मतलब 1st चैप्टर की आखिरी वीडियो, फिर हम 2nd चैप्टर की वीडियो देखें। सो वॉच दिस वीडियो, I will ask him to play, ठीक है? लाइव प्ले कर दो। Dear students, welcome to the subject Business Management and Behavioral Studies.
Today we shall be discussing a subtopic of management concepts called management skills. There are some key skills that a manager needs in order to operate as an effective manager. These management skills can be categorized into following four areas: one-time management, 2, innovation and creativity, 3, information gathering, 4, coaching and mentoring. Let's discuss our first management skill, time management. Managers need to be able to manage time in order to ensure their and their team's deadlines are achieved. In time management, we will look at 2 areas. Firstly, barriers to effective time management. And secondly, effective time management techniques. Let's start with barriers to effective time management, which may include the following 5 barriers. Number 1, procrastination. 2, ineffective delegation. 3, mismanaging paperwork. 4, attending or organizing unnecessary meetings. 5, failing to set priorities. Secondly, let's discuss effective time management techniques that include the following 7 techniques. First, identify objectives and label tasks to prioritize them as key tasks that are urgent, key tasks that are not urgent, tasks not required but would like to have, and lastly, tasks not required. Second, monitor the plan and take remedial action when slippage is identified. Third, set daily, medium-term, and long-term plans. Fourth, delegate tasks. Fifth, make appointments with oneself for time to think and review. Sixth, make use of checklists. 7, control interruptions, which may be done by managers switching phones to call divert or switching social networks or online communication programs to unavailable. They may also adopt surgery hours, for example, notifying open door time for meetings. Further, they may also have regular meetings with clients and colleagues to prevent surprises occurring. That concludes our first management skill, time management. Now let's proceed towards our second management skill called innovation and creativity. Innovation and creativity manifests in a number of ways. For example, identifying solutions quickly and flexibly during a negotiation. Identifying new ideas for products and services. Identifying new markets. There are a number of sources of innovation and creativity that may include: 1, the manager's own experience. 2, team brainstorming. 3, building mind maps and visual note-taking. 4, delegating design and innovation to a specialist. Now let's proceed towards our third management skill known as information gathering. Managers need information in order to perform their roles. Information arises from the following sources: 1, listening. 2, observations. 3, interviews. And number 4, questionnaires. Let's discuss the first information source, that is listening. Listening is useful for gathering information or getting feedback, investigating issues or problems and to understand stakeholder interests, and fostering positive working and stakeholder relationships. Second source of information is observation. Observation is necessary to understand processes, their interaction and effectiveness, and to identify benefits and disadvantages of processes. The third source of information is interviews. Information may be gathered through interviews of job candidates, staff, suppliers, and customers. The key steps of effective interviewing include: first of all, plan the agenda, then prepare and identify objectives, followed by opening the interview, then conducting the interview, and lastly, closing the interview. The fourth and last source of information to discuss is questionnaires. For example, attitude surveys and market research. In attitude surveys,
Customers are asked to rate the product or service as good, average, or bad, etc. The advantages of information gathering through questionnaires are: it is reusable, it can be written to avoid bias, and it provides statistical analysis. Disadvantages of using questionnaires include: response rates may be low and responses may be restricted. For effective information gathering through questionnaires, the managers must avoid using leading questions or closed questions, and managers must respect data protection laws. The last management skill we will discuss is coaching and mentoring. Human resource activities such as appraisal, feedback, and training planning should be used to identify what needs to change. Coaching in the short term and mentoring in the long term are management skills that are then used to help implement those changes. Firstly, we shall discuss coaching. Coaching is a short-term practice aimed at improving a specific skill or knowledge. The coaching process includes 5 steps. 1. Establish learning targets. 2. Plan and execute a systematic learning and development program that involves self-study, formal training courses, and on-the-job training. The 3rd step is to identify opportunities for broadening trainees' knowledge and experience. The 4th step is to account for trainees' strengths and limitations. The 5th and final step is to exchange feedback and identify areas for further development. Now let's proceed to discuss mentoring. Mentoring involves establishing a long-term relationship with a trusted advisor who is normally not part of someone's reporting line. Mentor provides the mentee with a career sponsorship, exposure to a network of contacts, direction, technical advice, and a respected listening post. The long-term objectives of mentoring include developing a person, career planning, helping one reach their potential. Let's discuss who may be a mentor. A mentor is often described in many ways, such as old wise man, teacher, counselor, role model, supporter, and encourager. Let's look at some of the psychosocial benefits to both parties of mentoring, such as acceptance, belonging, friendship, and the existence of a role model. There are 4 techniques adopted by a manager in making the mentoring role effective. 1. Actively managing the relationship. For example, making the occasional unsolicited call to the mentee. 2. Encouraging and nurturing the mentee. 3. Interacting with mutual respect. 4. Responding to the mentee's needs. That's all about management skills. Thank you for watching. Keep in touch for next chapter, the business environment.